ये देखिए दोस्तों, ये जो है ना सुई पटड़ी में आगे की साइड में टच होके चल रही है। ये जब सिलाई करते हैं तो क्या होता है, थोड़ी सी सुई हो ना और बाहर को आ जाती है, तो इस पर फिर पटड़ी पे लगती है सुई, और इसी वजह से हमारी सिलाई मशीन जो है इसकी सुई की नोक को मोड़ देती है। हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे हमारी सिलाई मशीन जो है ये जो सुई की नोक है ना ये बार बार मोड़ देती है आगे से, और ये क्यों मोड़ती है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और जैसे हम नई सुई लगाते रहते हैं और सुई की नोक मुड़ने के बाद हमारी क्या होता है सिलाई मशीन दोस्तों, ये जो सुई है ना इसकी नोक ये कपड़े को छील देती है, जो जालीदार कपड़ा होता है ना उसमें से जो है दाने से निकाल देती है, और सिलाई भी जो है अच्छे से निकलती है, कपड़े को सिकोड़ती रहती है बार बार। और ये देखिए दोस्तों, इसकी नोक क्यों मुड़ती है आखिर, इसको कपड़े को निकाल देंगे और गौर से देखना दोस्तों, जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना हमारी जो सिलाई मशीन की नोक मुड़ती है बार बार वो क्यों मुड़ती है, आप ये सेटिंग कर लेंगे तो आपकी सिलाई मशीन कभी भी सुई की नोक नहीं मोड़ने की। ये देखिए दोस्तों, ये जो सुई है ना ये हमारे पैर में टच होकर चल रही है, ये जो पैर है ना यहाँ पे इसमें देखिए इसकी जो नोक है ना इसमें टच होकर चल रही है, और जब सिलाई करते हैं ना तो धागे से है ना हल्का सा सुई और बाहर को हो जाती है। और दूसरी सेटिंग क्या है, क्या करना है आपको, पहले तो ये चेक करिए आप। ये देखिए दोस्तों, ये जो है ना सुई पटड़ी में आगे की साइड में टच होकर चल रही है, ये जब सिलाई करते हैं तो क्या होता है थोड़ी सी सुई हो ना और बाहर को आ जाती है, तो इस पर फिर पटड़ी पे लगती है सुई, और इसी वजह से हमारी सिलाई मशीन जो है इसकी सुई की नोक को मोड़ देती है, क्योंकि जब ये सुई है ना ये देखिए ये सुराख में जा रही है यहाँ पे और ये टच होकर जा रही है इसमें पटड़ी में, जब पटड़ी में टच होकर अभी चल रही है जब सिलाई करेंगे तो थोड़ी सी और बाहर को आ जाएगी, तो फिर पटड़ी में यहाँ पे बाहर की साइड लग के चलेगी और हमारी सिलाई मशीन जो है इसकी सुई की नोक जो है मोड़ देगी। तो आपको क्या करना है इसमें दोस्तों, ताकि ये सुई की जो है नोक बीच में आ जाए, तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा ले। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को काटना मत, और ये सेटिंग मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा क्या करना है आपको। सबसे पहले पटड़ी के पेंच दोनों खोल लेंगे, पेंच खोल लेंगे, हमें ये देखना है सुई में और शटल में जो है ना कितना गैप है, और फिर सुई की और शटल की जो है ना सेटिंग करके हम इसको पटड़ी को बीच में करेंगे। इसको यहाँ से खोल लिए दोनों पेंच हमने, ये देखिए दोस्तों, ये जो शटल की नोक है ना ये वाली नोक, और ये जो है ना ये देखिए सुई में और इसमें कितना गैप है, दिख रहा है ना। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे है ना इस पर थोड़ा सा चोट अंदर को मार देंगे और सुई भी हमारी अंदर को हो जाएगी, और सुई का जो शटल का मिलान है ना वो भी गैप जो है इसका ये ख़त्म हो जाएगा, और फिर क्या होगा हमारी दोस्तों ये जो है ना सुई की नोक जो है ये पटड़ी में हमारी लगने की नहीं और ना इसकी नोक मुड़ने की। इसको ऊपर करके यहाँ पर सामने की साइड में ऐसे चोट मार लेंगे ऐसे, और ये चेक कर लेंगे फिर। ये देखिए दोस्तों, सुई हमारी शटल से बिल्कुल मिल चुकी है और ना ही शटल में लग रही है, ठीक है दोस्तों। अब इसको पटड़ी को लगाते हैं, पटड़ी के दोनों पेच लगाएंगे और फिर चेक करेंगे इसमें, इसके दोनों पेच लगा के और उसको चेक करेंगे फिर हमारी जो सुई है पटड़ी में लग तो नहीं रही, और फिर इसके बाद जो है ना एक सेटिंग हो रहा है दोस्तों उसको भी देखना है लास्ट में। ये पेंच हमने दोनों टाइट कर दिए, और ये देखिए दोस्तों हमारी जो सुई है पटड़ी में ये देखिए आगे एक साइड में अब जगह आ गई ना, पहले क्या था कि टच होकर चल रही थी बिल्कुल, अभी इसमें काफ़ी जगह हो गई। अब हमारी सिलाई मशीन जैसे सिलाई कर देंगे तो सुई इसमें नहीं लगने की और ना इसकी नोक मुड़े सुई की। एक तो ये सेटिंग होगी, दूसरी सेटिंग ये है दोस्तों, ये जो पैर है ना इसको पैर को लगाएंगे, और उसको लगाने के बाद इसको चेक करना है हमें, ये टाइट कर लिया हमने। और दोस्तों ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों इसमें जो है ना ये सुई जो है थोड़ी सी जो है आगे की साइड में जो है लग के चल रही है पैर में हल्की सी जो है ना, इसको ऐसे थोड़ा सा घुमा लेंगे ऐसे, ताकि ये जब सिलाई करे तो सुई हमारी इसके पैर के बीच में रहे,
ऐसे। तो दोस्तों देखिए हमारी जो सुई है बिल्कुल बीचों बीच चल रही है, पटड़ी में भी और ये पैर के बीच में भी चल रही है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करना दोस्तों।